रिंकू, एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मुनि के रेता थाना क्षेत्र में गंगा में नहाने गए दो युवतियां व एक युवक गंगा में डूब गए। तीनों पर्यटक मुंबई के रहने वाले हैं, जो अपने दो अन्य साथियों के साथ यहां एक होटल में ठहरे थे। बुधवार की शाम लक्ष्मण झूला निवासी धर्म सिंह ने मुनि के रेता पुलिस को सूचना दी कि गंगा बीच होटल लक्ष्मण झूला रोड तपोवन के पास तीन पर्यटक गंगा में नहाते समय डूब गए हैं, जिसमें दो युवतियां व एक युवक शामिल हैं। सूचना पाकर थाना प्रभारी निरीक्षक मुनि के रेता कमल मोहन भंडारी तथा चौकी प्रभारी तपोवन अनिल भट्ट जल पुलिस व SDRF की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद पर्यटकों के साथी करण मिश्रा पुत्र परेश मिश्रा निवासी F104 अर्चित सबरडिया न्यू लिंक रोड कांदिवली वेस्ट मुंबई 47 तथा निशा गोस्वामी पुत्री उमेश गोस्वामी निवासी 1406 बिल्डिंग नंबर 2 आकृति उपटाउन मीरा रोड ईस्ट मुंबई ने बताया कि वह पांच लोग 1 अगस्त को उत्तराखंड घूमने आए थे। वह सभी तपोवन मुनि करेता के गंगा व्यू कॉटेज तपोवन में ठहरे हुए थे। उन्होंने बताया कि आज वह सभी मित्र गंगा किनारे घूमने व नहाने के लिए गए। उनके साथी मेल रॉय डॉटे, अपूर्व केलकर और मधुश्री खुरसांगे नदी के किनारे से कुछ आगे की ओर डुबकी लगाने चले गए, तभी अचानक उनमें से एक अपूर्वा का पैर फिसल गया और वह गंगा में बहने लगी। अपूर्वा को बचाने के प्रयास में मेलरॉय डांटे व मधुश्री खुरसांगे भी तेज बहाव में बहकर आंखों से ओझल हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि SDRF जल पुलिस फ्लड कंपनी व स्थानीय पुलिस ने सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। ये थी एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।